ओके सो आई होप आई एम ऑर्डेबल इफ समन प्लीज कन्फर्म एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन चलो दैट्स ग्रेट सो हम अभी क्लास में क्या कर रहे थे वी आर लुकिंग इन टू द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन ओके वेरी गुड मॉर्निंग ऑल वी वर लुकिंग इन टू द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन और लास्ट येस्टडे क्लास में हमने क्या किया था वी वर लुकड एन स्पेसिफिकली ठीक है कि प्री हिस्टोरिक एज से जो भी जिस भी तरह की पेंटिंग्स ठीक है चाहे वो पेट्रोग्राफ ग्लव्स हों या फिर उसके बाद माइक्रोलिथ uh, का यूज़ करके जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए जो भी पेंटिंग्स बनाई गई केव्स के अंदर और वो समझने के बाद फिर हमने समझा कि किस तरीके से म्यूरल्स बनाए गए फिर फाइनली हम आए मिनीचर पेंटिंग्स पर और मिनीचर पेंटिंग्स के बारे में मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई कि भाई साइज़ uh, छोटा होता है पाँच इंच बाई पाँच इंच की होती है उसमें वन बाई सिक्स एरिया में ही डिज़ाइनिंग होती है बट इन सब चीज़ों के बावजूद जो होता है एक्सेप्शनल तरीके से एक एक माइन्यूट डिटेल पर ध्यान दिया जाता है एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट इट रिक्वायर्ड विच इज़ नीडेड टू बी लुक्ड इन ठीक है सो वो पूरा एक का पूरा सेक्शन हो गया मिनीचर पेंटिंग का और हमने फिर अलग अलग टाइम पे मिनीचर पेंटिंग मैंने आपको बताया था मिनीचर पेंटिंग्स वो फर्स्ट स्टार्टेड इन द 8th सेंचुरी ए और वो भी कहाँ पे पाल डायनेस्टी में ठीक है पाल डायनेस्टी में वज्रयान बुद्धिज्म से जोड़ के ठीक है मिनीचर पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया डेवलप किया गया और इसके बाद से आने वाली हर एक डायनेस्टी में पहले जो जो अर्ली मेडिवल फ़ेज़ था यानी 9th, टेंथ 11th सेंचुरी वाला जो हिंदू रूलर्स थे और वहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत में भी मिनीचर पेंटिंग आ गई ठीक है कोर्ट ड्राॅइंग्स हुई इम्पीरियल ठीक है इम्पीरियल ड्राॅइंग्स उसके बाद से फिर मुगल्स के पास पास भी पूरे का पूरा तरीका आ गया लेकिन मिनीचर पेंटिंग्स का यूज़ मुगल्स ने और खासकर इनिशियल फेजेस में मुगल्स ने सिर्फ आर्टिस्टिकली किया इन सेंस ऑफ कि अगर कोई बुक बनाई जा रही है बुक लिखी जा रही है तो बुक के जो फ्रेमिंग है उस फ्रेमिंग और उस डिज़ाइनिंग को यूज़ किया जाता था ठीक है इट वॉज डन एक्सटेंसिवली इन द अकबर फेज और उसके बाद फिर अब हम बात करेंगे कि जहांगीर के फेज में क्या हुआ किस तरीके से जहांगीर के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग और बाकी भी पेंटिंग और स्कल्पचर्स और ये सारी चीज़ें ग्रो की ठीक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब मैं आपको आर्ट पढ़ा जब मैं आर्किटेक्चर वाला सेक्शन कंप्लीट करा था तो मैंने आपको एक चीज़ एक्सेप्शनली बहुत डिटेल में बता दी थी कि देखें जितने भी जितने भी आर्किटेक्चरल मार्बल्स हैं जहांगीर के पीरियड के यानी मुगल सल्तनत में जो भी इमारतें हैं जो 1605 के बाद बनी हैं और सोलह के पहले बनी हैं एक्सेप्ट सिकंदरा में जो अकबर की टूम है ठीक है उसको छोड़ के बाकी हर एक चीज़ ज़्यादातर यही देखा गया है कि वो नूर जहां ने बनवाई थी वो जहांगीर ने नहीं बनवाई थी ठीक है वो नूर जहां ने बनवाई थी जहांगीर की वाइफ ने जहांगीर वॉज फार मोर इन्वॉल्व इन पेंटिंग्स एंड नॉट इन आर्किटेक्चर ठीक है गुड मॉर्निंग राम कुमार गुड मॉर्निंग सूरज ठीक है सो ये कुछ बेसिक अजम्शंस हैं कुछ एकदम पक्की चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आज की क्लास शुरू करेंगे और हम देखेंगे जहांगीर से बात करेंगे तो so चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नई डू द बेसिक इंट्रो एंड देन विल स्टार्ट द सेशन सो दिस इज़ सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी इफ यू आर न्यू टू द क्लास इफ़ यू आर अटेंडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम मेक श्योर टू गो थ्रू इट ठीक है नीचे रेफरल कोड्स लिखे हुए हैं तो आप उनसे अन uh, अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ मुझसे भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से अन अकेडमी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड या सीरियस अबाउट योर एस्पीशन मेक श्योर कि आप ऐप इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री लेक्चर्स को अटेंड करें फ्री लेक्चर्स को अटेंड करें वो लेक्चर्स अगर आपको समझ में आते हैं आपको लगता है उनसे आपका बेनिफिट हो रहा है तो देन यू विल मूव अ स्टेप फॉरवर्ड और एस पी वाई टी कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आज आपके लिए लास्ट दिन है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज छब्बीस मई है आज भी ऑफर वैलिड है कि अगर आप एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे या दो साल का तो आपको एडेड डिस्काउंट मिलेगा ये डिस्काउंट आपको कल से नहीं मिलेगा तो मेक श्योर यू डू द पेमेंट इन टूडेज डेट ठीक है और इसके अलावा आपको बुक्स का जो सेट है वो घर भेज दिया जाएगा तीन महीने की एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शनशिप भी आपको मिल जाएगी अगर आप एक साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और साथ ही साथ वो सारे स्टूडेंट जिनको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिफिकल्टी है मेक श्योर sure कि इस वीडियो के नीचे लिंक है उस लिंक को फॉलो करें और वहाँ से जाके आप क्लास आप गूगल फॉर्म भरें गूगल फॉर्म भरेंगे अन अकेडमी आपसे कनेक्ट करेगी आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाएगा विदाउट ए डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा जीरो परसेंट ई के साथ ठीक है दो घंटे के अंदर सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आज कंप्लीट करके और जल्दी से बैचेज ज्वाइन करें ये बैचेज आज स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है और अपनी प्रिपरेशन फुल टू तरीके से स्टार्ट करते हैं ओके चलिए अब हम आते हैं ऑफिशियली हमारी जो पेंटिंग वाला सेक्शन है और दैट ऑल्सो जहांगीर के टाइम पर अब आपको मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बता रखी थी कि देखो सिंपल सी बात है आ, इस्लाम में आइडल वर्शिप मना है तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के इस तरह के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हैं वो ज़्यादा प्रोपगेट नहीं किए जा पाएंगे उनको ज्यादा दिखाया नहीं जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि उनको राजाओं ने किंग्स ने बादशाह ने सुल्तानों ने बनवाया नहीं बिल्कुल बनवाया लेकिन वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया मेक श्योर sure किया कि पब्लिक तक ना जाए अकबर ने भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाईं ठीक है अकबर के भी कोई पोर्ट्रेट भी बनाई गई लेकिन वो पब्लिक नहीं की कभी भी पब्लिक में आ, सुल्तान की बादशाह की जो वर्ड आपको यूज करना है वहाँ पे मुगल बादशाह की तस्वीर ऐसे पब्लिक नहीं की जाती थी अच्छा नहीं होता था बाद में झरोखा दर्शन का कॉन्सेप्ट शुरू होगा लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी और इसी चक्कर में यूजुअली इनिशियल फेजेस में आप बहुत बड़े लेवल पे कहीं भी पेंटिंग्स आइडल फॉर्म में नहीं देखेंगे लेकिन जहांगीर के टाइम पे ये सारी प्रथा टूटने लगी ठीक है जहांगीर के साम टाइम पे ये प्रथाएं टूटने लगी और जहांगीर ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ठीक है सपोर्ट किया उन आर्टिस्ट्स को जो भी इन्वॉल्व रहते थे सिर्फ पेंटिंग फ्लोरा और फाउना में बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने ठीक है पेंटिंग फ्लोरा एंड फोना इंडिविजुअल जो पेंटिंग्स थी ठीक है इंडिविजुअल्स की जो पेंटिंग्स थी उस पर उतना काम नहीं किया गया लेकिन फिर भी फिर भी कुछ कुछ आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी ठीक है लेकिन फ्लोरा और फौना पे बहुत ज़्यादा काम किया गया क्योंकि इंसान को नहीं दिखा सकते तो कम से कम जानवर को तो दिखा सकते हैं और इसी में से एक जहांगीर के टाइम की एक फेमस पेंटिंग है जिसमें आप एक ज़बरा देख सकते हैं ज़बरा ऑब्वियसली उस समय इंपोर्ट किया गया होगा इंपोर्ट करके खास मंगाया गया होगा अफ्रीका uh, से इंडिया में ज़बर कभी नहीं होता था इट्स नॉट लाइक चीता जी पहले इंडिया में होता था अब ख़त्म हो गया है तो वापस मंगा रहे हैं तंज़ानिया से ऐसा वाला सीन नहीं है ठीक है ज़बरा इंडिया में कभी नहीं होता था ज़बरा खास मुग़ल बादशाह के लिए मंगाया गया होगा और इसलिए ही मस्ट हैविंग अ लाइक फॉर इट और इसलिए उसको अलग से पेंट किया गया इसी तरीके से कहा जाता है कि बंगाल फ्लोरिकन और डोडो डोडो भी अब एक्सटेंट स्पीशी हो गई है चिड़िया की ठीक है उसको भी पेंट किया गया था ये सारी पेंटिंग जहांगीर की कोर्ट में किसने बनाई उस्ताद मंसूर ने ठीक है यह नाम अगर याद रहे तो काफी अच्छा है हेल्प हो जाएगी उस्ताद मंसूर ठीक है चलिए अब देखिए ही ऑन ब्रिंगिंग नेचुरलिज्म टू पोर्ट्रेट ऑन द इंडिविजुअल पेंटिंग यूनिक ट्रेंड्स वर डेकोरेटेड मार्जिन अराउंड द पेंटिंग जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि बीच में जबरा है और साइड में पेंटिंग के मार्जिन को डेकोरेट किया गया है फॉर विद वेजिटेशन ठीक है अब यह चीज बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि जब आपको पता है कि जब मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई थी तब किस तरह से पेंटिंग की जाती थी कि बीच में राइटअप होता था जो भी आप बुक पब्लिश कर रहे हो और उसके बॉर्डर पे आप पेंटिंग कर पाते थे ठीक है उसके बाद अब देखो पेंटिंग बीच में हो रही है और साइड में आप कुछ और डिजाइन कर लो तो चीजें कितनी इवॉल्व होने लगी ओवर द पीरियड ठीक है ये एट हंड्रेड से सिक्सटीन हंड्रेड के बीच का डिफरेंस है ठीक है जहांगीर जस्ट लाइक हिज फादर अकबर ऑल्सो ओन्ड हिज प्राइवेट वर्कशॉप ठीक है तस्वीर खाना इसको भी कहते थे यहाँ पे लिखा इसके लिए क्योंकि ऑलरेडी अकबर वाले टाइम में मैंने आपको बता दिया था दैट प्राइवेट वर्कशॉप को तस्वीर खाना कहते थे क्या कहते थे तस्वीर खाना चलिए और हिज नेचुरिस्टिक पेंटिंग ऑफ जेब्रा टर्की कॉक ये सारी चीज़ें बहुत फेमस हैं ठीक है एनिमल फेबल कॉल आर ए दानिश ओके द स्टोन्स ऑफ नॉलेज वॉज इलिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग हिज रेन ओनली सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए ओके okay? चलिए हाय लता आई होप यू लाइक द क्लास ठीक है चलिए यहां तक हो गया अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले जो रूलर आए शाहजहां ओके पेंटिंग ऑफ शाहजहां अब देखो शाहजहां के टाइम पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी शाहजहां का नाम ही ऐसा है दैट इट्स हिम स्टैंडिंग ऑन द ग्लोब इट्स हिम स्टैंडिंग ऑन द ग्लोब ठीक है सो पेंटिंग अंदर शाहजहान में अगर आप देखोगे तो देर इज़ ऑलवेज अ आर्टिफिशियल एलिमेंट इन द पेंटिंग ओके इट इज़ ऑलवेज पॉम्पस इट इज़ ऑलवेज़ वे बियॉन्ड विजिबिलिटी ओके लाइक एक्सटेंसिव प्रोपोगेशन ठीक है आइडिया का अब किसी ने अपना नाम ही शाहजहान रख लिया क्योंकि यार एक्चुअल नाम तो प्रिंस खुर्रम था शाहजहाँ का अब उन्होंने अगर अपना नाम ही शाहजहां रख लिया है तो उसको पोर्ट्रेट भी तो करना पड़ेगा बाई दिस टाइम क्रिस्टानिटी से पूरी तरह वाकिफ थे लोग तो अब देखो क्या किया गया कि नॉट ओनली ही स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ग्लोब ओके ही इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ द ग्लोब बट अगर आप ऊपर देखोगे तो एंजल्स फ्रॉम द बिब्लिकल टेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन पिक्चर बाइबल में जो कहानियां हैं उसमें जो एंजल्स uh, हैं वो भी आपको दिख रहा है यहीं पे एंड ही स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोब ठीक है तो ये आपका मेटाफॉरिकल रिप्रेजेंटेशन था जो इससे पहले बिल्कुल नहीं किया गया तो एक तरफ आपको वो टाइम मिलेगा जब आप देखोगे कि मुस्लिम रूलर्स की पिक्चर्स भी दिखाई नहीं जाएंगी फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम जहाँ पे आप देख रहे हो कि नॉट ओनली मुस्लिम रूलर्स की पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं बट उनकी पिक्चर्स इस पॉम्पस तरीके से दिखाई जा रही हैं दैट ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द ग्लोब ओके उनका नाम है शाहजहान ठीक है पूरी दुनिया के शाह ओके किंग्स ऑफ किंग ठीक है और उनके ऊपर बब्लिकल स्टोरीज पर स्टोरी कनेक्ट कर दी गई उनके साथ ठीक है सो इसीलिए इसी पेंटिंग को देख के आप देख सकते हैं शाहजहां ऑन द ग्लोब को देख के आप लिख सकते हैं दैट आर्टिफिशियल एलिमेंट इन इस पेंटिंग वॉज नाउ अवेलेबल एज वेल एज वो जो आइडल और जो, जो फेस को और वो किंग के बादशाह के फेस को लेकर इशू था वो भी साइड लाइन कर दिया गया ही ट्राइड टू रिड्यूस लाइवलीनेस ऑफ द पेंटिंग ओके ही स्क्यूड द यूज ऑफ चाकोल टू ड्रॉ एंड एनकरेज द आर्टिस्ट टू ड्रॉ एंड स्केच यूजिंग पेंसिल्स ओनली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखिए पुराने टाइम पे सिर्फ पेंसिल्स नहीं चाकोल भी यूज किया जाता था पेंसिल्स तो बहुत पहले अवेलेबल ही नहीं थी ना दिस टाइम पेंसिल्स वर अवेलेबल एंड दे वर ज्यादा परफेक्शन आता था उसमें तो चारकोल को हटाकर पेंसिल को यूज करने को कहा गया एंड दैट वॉज वेरी एसेंशियल ठीक है ही ऑल्सो ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग सो वो भी एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया ठीक है ये आपके शाहजहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीन चार दैट्स इट ये आपको पता होना चाहिए कि शाहजहाँ की पेंटिंग को अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो जहांगीर की पेंटिंग से ठीक है ठीके? ऐसे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का ठीक है कि जहांगीर के पीरियड और शाहजहां के पीरियड की पेंटिंग्स में क्या डिफ्रेंसेस हैं तो आपको बेसिक एक्सम्शंस पता होने चाहिए कि भाई एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेंसिल इंस्टेड ऑफ चाकोल वो शोन इन शाहजहां पीरियड शाहजहां का पीरियड जो था वहाँ पे एक्सटेंसिव पोम्पसनेस दिख रही थी ठीक है जहांगीर के पीरियड में आपको बादशाह की पोर्ट्रेट एक दो मिल जाएगी बस शाहजहां के पीरियड में एक्सटेंसिव वो भी दिखेगी ठीक है ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज ऑफ़ गोल्ड एंड सिल्वर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको जहांगीर में नहीं दिखेगी ठीक है सो दैट्स द होल आइडिया ओके चलिए औरंगजेब के टाइम की पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं ही डिड नॉट इंकरेज पेंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले से पता है औरंगजेब के टाइम पे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला पूरा फेस लेटर ऑन आ गया था देखिए औरंगजेब पावर में आए सेवनटीन में ओके आफ्टर अरेस्टिंग हिज फादर शाहजहां उसके बाद से ठीक है आप 1770 तक आ देखते हैं कि पहले तो वो अपने स्टेट को स्टेबल करते हैं पहले तो क्योंकि पहले एक डेढ़ साल तो वो फिर लड़ते ही रहते हैं अपने भाइयों से फिर वो अपने स्टेट को स्टेबल करते हैं स्टेबल करने के बाद वो अपने स्टेट को एक्सटेंड करते हैं सारी डायरेक्शन में और इसमें मुगल सल्तनत का पूरा फोकस इस बात पर था कि किस तरीके से डेकन में ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई किया जा सके अब उसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो गया कि किसी भी हालत में जो बादशाह है वो ये सोच ही नहीं सकते कि किसी और तरह के लग्जीरियस बिलीफ की ध्यान दिया जाए इसके अलावा औरंगज़ेब हिमसेल्फ ही वाज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इधर इन पेंटिंग आर्किटेक्चर और म्यूज़िक एंड ऑल दीज थिंग्स ओके जो एकदम हार्ड कोर इस्लाम होता है जो बाद में आप जिसको बहाबी इस्लाम के हिसाब से जानेंगे ठीक है जो प्योरिटन इस्लाम होता है ठीक है उसकी तरफ वो मूव करते जा रहे थे और जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने लगे तो सिक्सटीन सेवनटी से सिक्सटीन एटी वॉज मोर हार्ड लाइन सिक्सटीन एटी से सिक्सटी नाइन्टी वॉज ईवन मोर हार्ड लाइन सिक्सटीन नाइन्टी से सेवनटीन हंड्रेड वाज इवन मोर हार्ड लाइन ठीक है सो इस तरीके से वो अपने पूरे के पूरे इस्लामिक फेथ की बिलीफ में हार्ड कोर होते गए और जैसे जैसे आइडिया हार्ड लाइन होते गए वो आप उसके बाद देखेंगे कि पहले पेंटिंग्स को जो पेट्रेज मिल रहा था शाहजहाँ के पीरियड तक वो ख़त्म हो गया फिर म्यूज़िक को जो पेट्रेनेज मिल रहा था वो ख़त्म हो गया उसके बाद आर्किटेक्चरल जो जो ऑलरेडी इनिशिएटिव्स लिए गए थे क्योंकि आप सिक्सटी सिक्सटीन सेवनटी सिक्सटीन सिक्सटी सिक्सटीन सेवेंटी तक देखेंगे कि औरंगजेब कहीं 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 कहीं, कहीं जगहों पर ठीक है कई दूसरे रिलीजन के भी स्ट्रक्चर्स uh, को सपोर्ट कर देते दे थे पेट्रनेस दे देते थे डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट लेकिन सिक्सटीन एटी के बाद से वो पूरी तरीके से बंद हो गया तो उसी तरीके से पेंटिंग्स भी यहाँ पूरी तरह से बंद हो जाएंगी देर विल बी अ शार्प डिक्लाइन इन द एक्टिविटीज ऑफ द पेंटिंग लार्ज नंबर ऑफ मुगल कोर्ट पेंटर्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द प्रोविंशल कोर्ट नाउ दिस इज बट नेचुरल देखो जो आर्ट एंड आर्टिस्ट्री वाले लोग होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है वो तो पेंटिंग बना रहे हैं पेंटिंग बनाने में कई बार टाइम लगता है एक महीना दो महीना तीन महीना आप किसी बड़े पेंटर से पूछोगे तो बताएगा जी मैंने साल भर में एक पेंटिंग बनाई है या कई बार दो साल में एक पेंटिंग बनाई है ठीक है तो घर कैसे चलेगा हाउ दे विल डू देयर डेली चोर्स एंड लाइवलीहुड स्टफ ठीक है वो चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए ना तो होता ये है नीड पेट्रेज अब अभी के टाइम पे तो आप अभी भी अगर आप देखो तो होता है कि जी पेंटिंग कमीशन की है अगर आप बड़े लेवल पे जाके पूछोगे सो यू विल गेट टू नो दैट ओके वी हैव कमीशन द पेंटिंग फॉर दिस पर्पज और फॉर दैट पर्पज ठीक है अब उसको कमीशन करने के बाद बनाने में टाइम लगेगा एक साल डेढ़ साल ठीक है तो उस पेंटिंग की प्राइस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी ठीक है कि अगर किसी आदमी ने उस पर अपना डेढ़ साल दो साल टाइम दिया है सो so अगर वो किसी नॉर्मल कंपनी में काम करता हो, अच्छी पोजीशन पे ठीक है अच्छा पेंट तब भी उसको तीस लाख चालीस लाख रुपए मिलते साल के तो उसने दो साल काम किया है तो ही डिज़र्व इट फॉर लाइक एटी लैक्स टू वन करोड़ फॉर द पेंटिंग दैट्स द बेयर मिनिमम उसके बाद फिर जो हो जाए तो इस तरीके से पेंटिंग के दाम बढ़ जाते हैं ठीक है अब अगर अगर स्टेट का पेट्रिनेज नहीं मिलेगा ठीक है अगर स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा अगर बादशाह खुद सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएंगी अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सेवनटीन एटी आते आते सेवनटीन नाइन्टी आते आते बहुत ही ज़्यादा हालत खराब होने लगी थी आ, मुगल बादशाह डिडेंट हैड मनी टू रन थिंग्स प्रॉपर्ली इसका बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ अलग अलग जगहों पर जैसे कि जब बीबी -बी का मकबरा देखेंगे आप तो बीबी -बी के मकबरे के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसको देख के समझ जाएगा जी इट्स अगर गरीब आदमी ताजमहल बनाने की कोशिश करेगा तो बीबी -बी का मकबरा बनेगा ठीक है तो पैसे खत्म हो रहे थे 1793 में इसी तरीके से बंगाल का पूरा मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको 1793 में बंगाल में पूरी क्या क्या डिफिकल्टीज सिक्सटीन नाइन्टी थ्री नॉट सेवनटीन नाइन्टी थ्री सिक्सटीन नाइन्टी थ्री में बंगाल में क्या क्या डिफिकल्टीज हुई उनके बारे में ठीक है इकोनॉमिक ऊपर नीचे चीज़ें हो गई और इसकी वजह से आप देखेंगे कि औरंगजेब जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना कम करते जा रहे थे और इसका आउटकम ये हुआ कि ऑल द पीपल ठीक है ऑल द पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट जितने भी आर्टिस्ट थे वो सारे के सारे वहाँ से निकलने लगे और वो प्रोविंशियल कोर्ट्स में जाने लगे जो अलग अलग प्रोविंस में गवर्नमेंट थी ठीक है वहाँ पर वो जाने लगे एंड दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ठीक है अब इसकी वजह से अब ये लोग जो पेंटर्स हैं जो मुगल कोर्ट से मूव करेंगे प्रोविंशियल कोर्ट्स में तो ये चीज़ मैंने आपको पूछने पहले ही बताई थी वो कहाँ मूव करेंगे वो मूव कर सकते हैं राजस्थान में अगर आप दिल्ली और आगरा से मूव कर रहे हो या लाहौर में अगर हो आप मूव कर रहे हो तो आप कहाँ जा सकते हो आप राजस्थान जा सकते हो या फिर आप पहाड़ों में जा सकते हो कांगड़ी एलिया में ठीक है so, सो राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग दीज इनिशियल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग विच इवॉल्व और ये सारे के सारे मुगल पेंटर्स थे अब जब आप राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलने की कोशिश करोगे आप किसी भी राजस्थानी रूलर के पास जाओगे चाहे मेवाड़ में जाओ या मारवाड़ में जाओ तो वहां पर या अजमेर में जाओ या बीकानेर में जाओ वहाँ पर आपको क्या होगा वहाँ पर आपके जो लोकल रूलर्स हैं वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली कराने की बात करेंगे एंड देवर एज यू ऑलरेडी नो राजपूत जो थे बाई दिस टाइम देवर देवर हैविंग बिलीव इन इधर विष्णु और कृष्ण ठीक है तो अब वही मुग़ल पेंटर्स जो अभी तक मुगल आर्ट का बना रहे थे अब वो विष्णु कृष्ण इनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे पेंटिंग्स बनाना शुरू करेंगे ठीक है तो कुछ मुगल फीचर्स अब आपको राजस्थानी स्कूल मेवाड़ी स्कूल इनमें भी दिखने लगेंगे कुछ नहीं भी दिखेंगे कुछ इनके खुद के इवॉल्व होंगे तो अब वापस से वे 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 एक कल्चरल एम एल होगा अब वापस से एक कल्चरल एम एल होगा दिस इज वॉट आई यूज टू टेल अगेन एंड अगेन कि जब इलेवेंथ ट्वेल्थ सेंचुरी की बात थी तो हिंदू आर्टिस्ट जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के लिए पेंटिंग शुरू की थी अब सिक्सटीन सेवनटीन सेटीन सेंचुरी में जो मुगल आर्टिस्ट रहेंगे वो वापस से हिंदू किंग्स के लिए पेंटिंग शुरू करेंगे वापस से अमेल ओके चलिए अब देखते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग ठीक है राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग सबसे पहले इट इज मोर और लेस सिनोनिमस टू द होल राजपूत क्लैन ठीक है उनके पूरे स्कूल से जो भी उनकी पेंटिंग्स होती थी एंड एज दे वर द डोमिनेंट रूलिंग क्लास इन दिस पीरियड दे वर द डोमिनेंट रूलिंग क्लास इन दिस पीरियड इट डेवलप सेवरल सब जॉनर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स विच कॉरस्पॉन्ड टू देयर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ओरिजिन कौन कौन से मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग फर्स्ट वन ठीक है मेवाड़ स्कूल कब शुरू हुआ सेवनटीन सेंचुरी में साहिब दीन वॉज द फेमस पेंटर फ्रॉम हेयर साहिब दीन वॉ सम माइग्रेटेड साहिब दीन वॉज समन माइग्रेटेड फ्रॉम द मुगल कोर्ट टू द मेवाड़ कोर्ट नाव मेवाड़ी पेंटिंग फोकसेज ऑन साहिब दिन डिपिक्शन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट तो जो भी ट्वेल्थ सेंचुरी थर्टीन सेंचुरी में लिटरी टेक्स्ट लिखे गए थे जो बाई दिस टाइम गॉड द माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ठीक है जैसे कि रागमाला हो गई रामायण हो गई भगवत पुराण हो गई ठीक है इसमें जो बातें लिखी थी जो पर्टिकुलर इवेंट जो स्टोरी नेरेट की गई थी उन पे बेस करके पेंटिंग्स बनानी शुरू की साहिब दीन ने ठीक है इसी टाइम पे तमाशा पेंटिंग भी शुरू हुई तमाशा पेंटिंग स्पेसिफिकली ये तमाशा पेंटिंग जो है इट हैज़ नथिंग टू डू विद स्टोरीज इट वॉज़ मोर अबाउट जो भी डिटेल्स कोर्ट में ठीक है यहाँ पे मेवाड़ के कोर्ट में जो भी सेरेमनीज हो रही थी जो भी फंक्शंस हो रहे थे उनको अनप्रेसिडेंटेड डिटेल्स में एक तरीके से मैंशन किया जाता था नाउ जिस तमाशा पेंटिंग इज़ समथिंग जो कि मुगल स्कूल के कोर्ट पेंटिंग्स के इक्वलेंट थी मुगल स्कूल में भी ये किया जाता था और उससे पहले दिल्ली सल्तनत में भी ये किया जाता था कि कोर्ट की पे कोर्ट की रिकॉर्डिंग्स में कि बादशाह खुद बैठे हुए हैं ठीक है तख्त नशी हैं और उनके आसपास अगल बगल कौन कौन खड़ा है उनकी पेंटिंग बनाई जाती थी ठीक है सो उस तरह की जो पेंटिंग थी वो यहां भी की गई और उसको यहां पर तमाशा पेंटिंग कहा गया गॉड इट उसको यहाँ पे तमाशा पेंटिंग कहा गया अंबर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग ठीक है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग इसको कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉलेज धुंधर स्कूल ओके देखो अर्ली एविडेंस कम्स फ्रॉम द वॉल पेंटिंग्स एट बैरात इन राजस्थान ठीक है सबसे फेमस जो इनमें हुए वो क्या हुआ है वो कौन कौन से लोग थे जैसे एक इलिस्ट्रेशन है भगवत पुराण का रामायण का वापस से रागमाला का ये सारी चीज़ें पोर्ट्रेट में बनाई गई ठीक है और ये किसने बनवाई तो पेट्रनेज मिली सवाई प्रताप सिंह के अंदर एटीन सेंचुरी में और जिस तरह से अकबर के टाइम पे जो जगह थी जहाँ पे पेंटिंग होती थी दैट वॉज कॉल्ड एज तस्वीर खाना ठीक है तस्वीर खाना मैं बार बार लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए अकबर के टाइम पे ही हैड अ सेपरेट प्लेस जहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी एंड दैट वॉज कॉल्ड एज तस्वीर खाना ये आ, बाद में भी जहांगीर तक के टाइम पे एक्स करती रही वही पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट अब वापस से यूज़ किया जाएगा बस तस्वीर की जगह सूरत खाना नाम रख दिया जाएगा ठीक है तस्वीर की जगह नाउ इट विल बी कॉल्ड एज सूरत खाना बिकॉज वही पर्जियन से संस्कृत की तरफ मूवमेंट ठीक है क्योंकि रूलर जो है वो इस्लामिक फेज से हिंदुज्म की तरफ मूव कर रहे हैं दैट्स इट गॉड इट चलिए इसके अलावा राग महाराज सबरे में पोर्ट्रेट मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग पे आ जाइए मारवाड़ में अब क्या हो रहा था एक्स्ट्रा ये मुगल पैटर्न को फॉलो कर रहे थे लेकिन राजपूत एलिमेंट बिकम प्रीडोमेंट ऑबियसली देवर पेड फॉर ठीक है सो so, जोधपुर बीकानेर ये दोनों राठौड़ क्लैंड जो थे वही इसको रन कर रहे थे ठीक है ये राठौड़ क्लैन के रूलर्स थे राठौड़ क्लैन के रूलर्स कई जगह पे थे कन्नौज में भी पहले रह चुके थे अब वो बीकानेर और जोधपुर में बचे थे बस ठीक है सो उन्होंने हायर किया इनको ठीक है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्स्ट्राडिन्ररी पेंटिंग इन द टाइम ऑफ मानसिंग एटीन टू तो एटीन ये लेटर ऑन मानसिंह है ये पुराने वाले मानसिंह नहीं है ठीक है मानसिंह ने अलग से चीज़ें कमीशन की कुछ पेंटिंग्स और उनका नाम था शिव पुराण पे बेस्ड यानी जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है शिव पुर शिव पुराण उस पर बेस करके ठीक है नाट्य चरित्र दुर्गा चरित्र और पंचतंत्र ये जो कहानियां थी इन कहानियों पे, पे पेंटिंग्स को कमीशन किया जाता था नॉट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग देखिए एक तो चीज़ होती है स्केच बनाना कि आपके सामने जी एक इमेज रख दी गई आपने फोटो खींच ली और उसको किसी आर्टिस्ट ने कॉपी कर लिया डूइंग दैट इज़ मच मोर इजियर इंस्टेड ऑफ़ दैट यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आपको एक स्टोरी बुक दे दी जाएगी और कहा जाएगा जी ये स्टोरी है इस स्टोरी को एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करिए और बनाइए चलिए ठीक है सो अब ये पेंटर के हाथ में होता था टू थिंक अ लॉट ठीक है कि लोगों को किस तरह के कपड़े पहनाने हैं लोगों को किस तरह का दिखना चाहिए और इसी तरीके से ये आइडिया लगाया गया कि इन पेंटिंग्स के थ्रू आप इन सोसाइटीज़ में लोग कैसे रहे होंगे वो इन्फर कर सकते हैं ठीक है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक कृष्ण और राधा या कृष्ण और गोपियों की पेंटिंग देख रहे हो मिनिएचर पेंटिंग ठीक है उसको देख के आप ये कह सकते हो कि अच्छा एज पर पीपल लिविंग इन एटीन सेंचुरी पीपल लिविंग इन टाइम ऑफ कृष्ण मस्ट बी वेयरिंग क्लोथ्स लाइक दिस तो देव आर वेरी हाई चांसेस कि यहां से आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे कि एटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी में लोगों के रहने बोल चाल रहने का तरीका क्या था सो so ये वो सारी चीजें हैं जो यहाँ से भी इन्फर की जाती हैं दैट इज ऑल्सो असेंशियल ठीक है चलिए अब हम किशन किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग देखेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है देख लो भाई किशनगढ़ स्कूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे बनी ठनी की बात होगी तो पहले आप पहले देख लीजिए एक रोमांटिक लेजेंड जो है सावन सिंह और बनी ठनी की लव स्टोरी वो किशनगढ़ स्कूल में बहुत फेमस है ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी ही बन गई एक तरीके की सावन सिंह और बनी ठनी की जो कहानी थी और इसको किशनगढ़ स्कूल में बनाया गया अलग से ठीक है तो नगर नगरी दास द पोएट एंड द निहाल चंद द पेंटर उन्होंने मिलकर नगरी दास ने कहानी लिखी और निहाल चंद ने वो पेंटिंग बनाई निहाल चंद ने अलग से बनी धनी की एक पेंटिंग बनाई इन द ड्रेसिंग सेंसिबिलिटीज एंड एवरीथिंग उसको देख के ये बोला गया कि ये जो बनी ठनी की पेंटिंग है ठीक है दिस कैरेक्टर बनी ठनी इज एक्चुअली कंसिडर्ड द मोना लिसा ऑफ इंडिया ये पेंटिंग किसने बनाई है निहाल चंद ने और ये कहाँ पे है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग किशनगढ़ ठीक है ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए प्लीज नोट इट डाउन डैट विल भी हेल्पफुल फॉर यू किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग वनी धनी बाय निहाल चंद ठीक है चलिए यहां तक होगी अब ये भी बात समझिए कि ये ऐसे माना जाता है दैट बनी धनी की पेंटिंग में ओके द लुक्स द क्लोथ द एवरीथिंग इज समथिंग जिसपे राधा का कैरेक्टर बाद में बेस किया गया ठीक है जो कृष्ण और राधा वाली जितनी भी स्टोरीज आपको नेरेट की जाती हैं उसमें राधा का जो कैरेक्टराइजेशन है जो उनकी क्लोदिंग स्टाइल है जो उनके लुक्स हैं वो सारे के सारे इस कैरेक्टर पे बेस किए गए जो कि निहाल चंद ने बनाए थे ओके सो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपको याद होना चाहिए जो आपको समझ आना चाहिए जैसा कि आप पेंटिंग देख सकते हैं अगर आपको बताया ना जाए दिस इज बनी ठनी सो यू माइट थिंक कि अच्छा किसी ने राधा की स्केच बनाई है ठीक है तो वो जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है राधा का वो कहाँ से इवॉल्व हुआ वो बनी धनी से इवॉल्व हुआ ठीक है किशनगढ़ स्कूल किसने बनाई निहाल चंद ने प्लीज़ मेक श्योर sure कि आप इसको नोट कर लें प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट चलिए एक और स्कूल है दैट इज़ बूंदी स्कूल जो कि सेवनटीन्थ से नाइनटीन सेंचुरी के बीच में बना ठीक है एट इवॉल्व ड्यूरिंग द सेवनटीन एंड द नाइनटीन सेंचुरी ओके दो किंगडम बूंदी एंड कोटा आर कलेक्टिवली नोन एज हदोती ओके okay? और ये दोनों के जो रूलर्स होते हैं दे वर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि लॉर्ड कृष्ण की जो पूरी स्टोरी थी दैट हु ही वॉज क्या कहानियाँ हैं चाहे वो वृंदावन की कहानियाँ हों चाहे वो मथुरा की कहानियाँ हों या फिर बाद की कहानियाँ हों ठीक है वो वृंदावन और मथुरा वाली जो कहानियाँ हैं वो ट्वेल्थ सेंचुरी ए में इवॉल्व हुई देखो कृष्ण का एग्जिस्टेंस एज अ कैरेक्टर इन महाभारत आपको गुप्ता पीरियड में ही राइटिंग मिल जाएगी बाई सिक्स सेवन सेंचुरी आपको भगवत गीता भी मिल जाएगी लेकिन दोज आर अबाउट कृष्ण इन हिज लाइक जब वो बड़े हो जाएंगे उनकी पूरी की पूरी ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद की कहानियाँ जो टीन एज कृष्ण की कहानियाँ हैं ठीक है दोज विल आर ओनली डेवलप्ड इन ट्वेल्थ सेंचुरी एटी और ये वो स्कूल है बूंदी स्कूल ठीक है जो इन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑल द पेंटिंग ठीक है जहां कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहे हैं ओके और रास लीला की जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो आपको बूंदी स्कूल में मिलेंगी सो दैट यू हैव टू रिमेंबर ठीक है सो बूंदी और कोटा के जो किंग थे वो कृष्ण के डिवोटीज थे उन्होंने पेट्रिनेज दी और उसके बाद ट्वेल्थ सेंचुरी की जो राइटिंग थी टीन कृष्ण के बारे में उन उनपे बेस करके ये सारी की सारी पेंटिंग्स बनाई गई थी, ठीक है इसमें खास ध्यान दिया जाता था कि लोकल वेजिटेशन वॉज ऑल्सो शोन शोन इन बैकग्राउंड ऑफ कृष्ण कृष्ण वॉज ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर ये कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स हैं ठीक है पीछे बैकग्राउंड जो है वो कृष्ण के वो ग्रीनरी जो है वो लोकल वेजिटेशन है कृष्ण हमेशा ब्लू कलर के कपड़ों में होते थे ठीक है एक अर्लीस्ट मेन्यूस्क्रिप्ट जो है इज ऑफ द चुनार रंग रंग रागमाला सीरीज जो एक मेन्यूस्क्रिप्ट है फिफ्टीन की ठीक है सो ये एक अकेली मेनुस्क्रिप्ट है जो इतने पहले बनी थी बाकी एवरीथिंग एल्स वॉज डेवलप्ड इन सेवनटीन सेंचुरी ठीक है फेमस चित्रशाल इन बूंदी प्रोवाइड्स अ कलरफुल ग्लम्स ऑन द हिस्ट्री ठीक है बूंदी में एक म्यूज़ियम जैसा है वहाँ पे आपको सारी पेंटिंग्स डिटेल में मिल जाएंगी इसमें की बहुत सारी पेंटिंग आपको नेशनल म्यूज़ियम में मिल जाती है लेकिन अब वो सारी की सारी रिकॉर्ड में डाल दी गई हैं अब जहाँ भी अगर नया नेशनल म्यूजियम बनेगा वो चीज़ें वहाँ लगाई जाएंगी सो यू माइट बी एबल टू सी इट बैक लेटर इन ट्वेंटी और ट्वेंटी उससे पहले नहीं ठीक है अच्छा पहाड़ी स्कूल पहाड़ी अब देखिए ये सारे राजपूत स्कूल हो गए आपके ज़रूरी अब आपको पहाड़ी स्कूल की बात करनी है पहाड़ी स्कूल ये वो हैं जो कि शिवालिक रेंजेस जो हैं हिमालय में उन एरियाज़ में डेवलप हुए जिनको सब हिमालयन स्टेट्स कहा जाता है ठीक है अब यहाँ पे इन टोटल देखिए ट्वेंटी टू प्रिंसली स्टेट्स थे कहाँ से जम्मू से लेकर अल्मोड़ा तक जम्मू से लेकर अल्मोड़ा के बीच में ठीक है आपके पास ट्वेंटी टू प्रिंसली स्टेट्स थे ये ट्वेंटी टू प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये अलग अलग तरीके से पहाड़ी स्कूल कहे जाते हैं और ये लोकल रूलर्स जो हैं वो पेट्रनेज प्रोवाइड करेंगे जो मुगलों के यहाँ से वापस पेंटर्स आए ठीक है यहाँ पे पेंटिंग की थीम क्या होगी यूजुअली लिटरेचर ठीक है लिटरेचर और सबसे बड़े फेमस पेंटर कौन कौन से होंगे यहाँ के पहाड़ी स्कूल के उनका नाम है नैनसुख मनकू और सनसारचंद नैनसुख मनकू और सनसारचंद ठीक है अब दो इंपॉर्टेंट जो स्कूल्स हैं एक है बशोली स्कूल ओके और कांगड़ा स्कूल ठीक है कांगड़ा स्कूल ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेवनटीन सेंचुरी में शुरू होंगे चलिए बसोली स्कूल कब शुरू हुआ दैट स्टार्टेड इन द जम्मू एंड कश्मीर सेवनटीन सेंचुरी ठीक है अगेन जो औरंगजेब की कोर्ट से लोग आए थे उनको लेके इट डिपेक्टेड एक्सप्रेसिव फेसेज विद द रिसीडिंग लाइन कुछ फैक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप समझ लीजिए पहले तो बशोली स्कूल के कि क्या होने चाहिए द फेसेस वर हाईली एक्सप्रेसिव हाईली एक्सप्रेसिव फेसेस आप कैसे पहचानेंगे अगर आप इनकी शक्ल पे देखेंगे तो एक बड़ी स्माइल या फिर जो भी फेस पे एक्सप्रेशन होंगे चाहे वो हंसने के हों रोने के हों जैसे भी हों वो काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे ठीक है इसके अलावा हेयरलाइन जो होगी वो रिसीडिंग होगी तो हेयरलाइन आपको आगे तक नहीं दिखेगी पीछे दिखेगी ठीक है पीछे की ओर हेयरलाइन दिखेगी उसके साथ आंखें जो होंगी वो लोटस शेप होंगी और बल्जिंग होगी ठीक है वो चाहे मेल कैरेक्टर हो या फीमेल दोनों की आंखें जो हैं वो लोटस शेप होंगी और बल्जिंग होंगी ठीक है और इम्पॉर्टेंट कलर रेड येलो और ग्रीन ठीक है इसके पहले जो पेटर्न थे वो कौन थे राजा कृपाल पाल ठीक है राजा कृपाल पाल और ये जो एलिस्ट्रेशन हैं ये कहाँ पर रखी गई तो एलिस्ट्रेशन ऑफ भानुदत्त रसमजरी ओके और गीत गोविंदा और रामायण ये सारी की सारी पेंटिंग्स यहाँ पे इवॉल्व की गई ठीक है सो अगेन इंपॉर्टेंट टेक्स जिनसे इन पेंटिंग्स को बनाया गया है वो आपको याद होनी चाहिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गीत गोविंदा ओके okay? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गीत गोविंदा फेमस पेंटर ऑफ दिस स्कूल वॉज देवीदास फेमस ऑफ हिस डिफिक्शन आर राधा एंड कृष्ण ये भी गीत गोविंदा से बनाई गई ठीक है नीचे जो पेंटिंग्स बनी हुई है ये भानु दत्ता की एक राइटिंग्स थी ठीक है रसम जारी उससे बनाई गई पेंटिंग है किसकी कृष्ण की और राधा की ठीक है चलिए कांगड़ा स्कूल की बात करते हैं अगेन क्योंकि सब टेरेनियन हिमालयस में है ठीक है अगेन गीत गोविंदा का हाई इन्फ्लुएंस ठीक है आपको कृष्ण और राधा साथ में दिख जाएंगे राजपूत किंगडम था एक तरीके का ये गुलेर कांगड़ा स्कूल यहीं पे डेवलप हुआ कांगड़ा में ही ठीक है और इट्स रीच इट्स जेनेस अंडर द पेट्रनेज ऑफ राजा संसारचंद राजा संचाल चंद वॉज ऑल्सो अ राजा एंड हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो अ पेंटर यह चीज़ आपको अलग से पता होनी चाहिए ठीक है द सेंचुअलिटी वॉज वेरी विविडली एक्सप्रेसिबल इन दिस पिक्चर्स ठीक है तो ये बहुत खास है पेंटिंग्स क्योंकि संचाल चंद के यहाँ जो पेंटिंग्स बनती थी उसमें सेंचुअलिटी और इंटेलिजेंस दोनों विजिबल थी अगेन गीत गोविंदा भगवत पुराण ठीक है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे जो यहाँ पे यूज किए जाते थे कलर कॉम्बिनेशन वही रेड येलो ग्रीन अच्छा एक दो चीज़ें और अगर आप ध्यान देंगे तो बशोली स्कूल में ब्लू कलर का यूज़ किया गया है लेकिन ब्लू कलर का यूज़ एक्सेवसेबली नहीं किया जाता था ब्लू कलर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आ, जो गॉड कैरेक्टर्स होते थे ठीक है जो डी होते थे उनको ही रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता था ठीक है ब्लू कलर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उस टाइम तक भी मिलना और ब्लू कलर का यूज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो आसमान को दिखाने के लिए नीला रंग चाहिए ठीक है पानी के लिए नीला रंग चाहिए और या फिर इंसान पे अगर ब्लू कलर है तो दैट पर्सन हैज टू बी अ एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गॉड तो कृष्ण के ऊपर ब्लू कलर दिख जाएगा कहीं पे अगर आपको 15, 16 सेंचुरी में विष्णु की पेंटिंग दिख जाएगी वो आपको ब्लू कलर की मिल जाएगी लेकिन ह्यूमन बींग्स वर अदरवाइज नॉट शोन इन ब्लू कलर ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए चलो सो ही ऑर्डर द एलुस्टेशन ऑफ भानुदत्त राशम रसम जारी गीत गोविंदा रामायण तीनों के तीनों ठीक है और राधा कृष्ण की फेमस पेंटिंग है जो देवीदास ने बनाई थी वो आपको ऊपर दिख रही है तो ये आप अलग से याद रख सकते हैं ओके क्या हो गया सिस्टम हैंग कर रहा है इट्स फाइन चलिए इट्स फाइन हाँ अब साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं अब हमने पहाड़ों की बात कर ली राजस्थान की बात कर ली मुगलों की बात कर ली अब हम थोड़े से साउथ इंडिया पे आ जाते हैं और उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वहां पे क्या हो रहा था तो एज यू नो साउथ इंडिया में गोल्ड का एक्सटेंसिव यूज होगा यू मस्ट बी नोइंग दिस अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि गोल्ड का एक्सटेंसिव यूज होगा साउथ इंडिया में ठीक है मिनिएचर पेंटिंग साउथ इंडिया में भी बनाई जाएंगी ठीक है अर्ली मेडिवल पीरियड से ही बनाई जाने लगेंगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फेमस पेंटिंग होंगी वो होगी तंजौर पेंटिंग तंजौर पेंटिंग फेमस फॉर गोल्ड कोटिंग ओके फेमस फॉर द स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग्स मोस्टली क्रिएटेड ऑन ग्लास एंड वुडन प्लैंक्स ठीक है ग्लास और वुडन प्लैंक्स पर इसको बनाया जाता था यूज ऑफ ब्रिलियंट कलर पैटर्न एंड लिबरल यूज ऑफ गोल्ड लीव्स अगेन आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो किस तरह से बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे ही गोल्ड लीव का यूज नहीं हुआ है अगर आप उनकी क्लोथिंग पे देखेंगे या उनकी खुद की ज्वेलरी देखेंगे डी की तो उस उसपे भी गोल्ड लीव्स का एक्सटेंसिव यूज हुआ है ठीक है मेरे ख्याल से आप ये देख सकते हैं जस्ट गिव मी मोमेंट हम्म ठीक है अच्छा अब इसको सपोर्ट कहाँ मिला था अब ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा मैं अलग से बताता हूँ देखो मराठा रूलर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं थे ठीक है तमिलनाडु में एक पूरा एरिया था आर्कट के नीचे मेरे ख्याल से आर्कट आप लोगों को पता होगा चेन्नई के पास है आर्कट ठीक है आर्कट जो था वो तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा एरिया है और आर्कट की खुद की एक निज़ामशाही थी ठीक है जो हैदराबाद को पहले रिपोर्ट करती थी और फिर उनको भी रिपोर्ट करना बंद कर दिया और एटीन सेंचुरी में एटीन सेंचुरी में आर्कट का जो एकदम नीचे वाला एरिया है जिसको आप तंजौर कहते हैं आर्कट के नीचे उस एरिया पे मराठाओं ने कब्जा कर लिया और मराठाओं ने वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया यहाँ के जो रू, रूलर थे उनका नाम था महाराजा सरफोजी सेकंड ठीक है और उन्होंने तंजौर को सपोर्ट करना शुरू किया गॉड एड उन्होंने तंजौर को सपोर्ट करना शुरू किया दिस इज अगेन समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर ठीक है उन्होंने तंजौर को सपोर्ट करना शुरू किया तंजौर में जितनी पेंटिंग हुई वहां पे बहुत ज्यादा काम हुआ इसके अलावा बेसिक आइडिया ये था कि आप एक वुडन प्लैंक लेंगे क्लोथ पे पेंट कपड़े के ऊपर पेंटिंग करेंगे ठीक है और कई बार कपड़े को हटा के उसके ग्लास के ऊपर सीधे पेंटिंग कर दोगे ग्लास के ऊपर पेंटिंग करने के बाद उसके ऊपर आप जहां भी गोल्ड और सिल्वर को यूज करना है वो यूज करोगे गोल्ड का एक्सटेंसिव यूज किया जाएगा और उसके बाद उसको रीफ्रेम कर दोगे साइड से एंड दैट यूज टू बी पेस्टेड ऑन द बॉल ठीक है तो ये वो तरीका था जो स्टैंडर्डली यूज किया जाता था चलिए ओके अब इसके बाद हम याद करेंगे मैसूर पेंटिंग की अगेन मैसूर पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया भाई कुछ प्रॉब्लम हो रही है नेट में जस्ट गिव गिव्यूमेंट फाइन चलिए क्या हो गया फिलहाल या तुम अलग ही पहचानो एवरी वन एल्स इट्स विजिबल चलिए सो तंजौर पेंटिंग के बाद अगली जो पेंटिंग थी वो थी मैसूर पेंटिंग और मैसूर पेंटिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हिंदू गॉड और गॉडेसेस को दिखाया गया तो भाई अब यहाँ पर फैमिली कौन सी थी जो सपोर्ट कर रही थी वो थी वुडियार फैमिली वुडियार क्लैन हुआ द एक्चुअल रूलर्स ऑफ मैसूर ठीक है हैदर अली और टीपू सुल्तान व जस्ट आर्मी लीडर्स जिनको बाद में प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था एक्चुअल रूलिंग डायनेस्टी वुडियार और इसीलिए यहां पर हिंदू गॉड और गॉडेज को एक्सटेंसिवली सपोर्ट मिल रहा था यहां पर जो यूनिक फीचर मिलेंगे आपको दे हैड टू और मोर हैदर इन साइज ओके यहाँ पे गीसो का पेस्ट यूज किया जाता था जो गीसो का पेस्ट एक्चुअली होता क्या है वाइट लेड पाउडर और गमूज और ग्लू को मिलाकर पहले लगाया जाता है और उसके ऊपर पे पेंटिंग की जाती है ठीक है इसको सपोर्ट कौन कर रहा था इसको सपोर्ट करते थे यूजुअली राजा कृष्ण राजा वुडियार ठीक है कृष्ण राजा वुडियार वाज द वुडियार रूलर जो कि जब विजयनगर एम्पायर खत्म हुआ बैटल ऑफ तालीकोटा कोटा पंद्रह उसके बाद से जब वुडियार एम्पायर राइज किया तो मैसूर के जो पहले बड़े किंग थे ठीक है वो थे राजा कृष्ण राजा वुडियार ठीक है और उन्होंने एक्सटेंसिवली मैसूर पेंटिंग को सपोर्ट किया अगर आप मैसूर पेंटिंग राइट हैंड साइड में जो लगी है उसको देखेंगे ठीक है तो उसमें आप क्या देखते हैं बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए अगर आप तो आप यहां पे देख रहे हैं दिस इज बेसिकली सरस्वती बट शी इज ऑल वेयरिंग कलरफुल साड़ी शी इज नॉट वेयरिंग द स्टैंडर्ड व्हाइट साड़ी जिसमें हम आजकल अभी हम सरस्वती गॉडेस सरस्वती को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट साड़ी में विद अ वीना यहां पर वो आपको वीणा की तरह एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो लिए दिख रही है साथ ही साथ एक कलरफुल साड़ी में दिख रही है ठीक है so, सो इससे आपको पता चलता है कि ये जो व्हाइट साड़ी वाला कॉन्सेप्ट है वो बाद में आया होगा या फिर मैसूर स्कूल में कुछ और चल रहा होगा तो नहीं मैसूर स्कूल में कुछ और नहीं चल रहा था वाइट साड़ी वाला कॉन्सेप्ट बाद में आया था वो मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है थीके? इसके अलावा मॉडर्न पेंटिंग्स की जब हम बात करेंगे ठीक है सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वॉज राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा बिलोंग टू द वी ए आर है वर्मा वी ई आर नहीं है वर्मा में वी ए आर है राजा रवि वर्मा हु बिलोंग टू द वर्मा क्लैन ऑफ त्रावन कोर ठीक है त्रावनकोर की जो रूलिंग फैमिली थी ठीक है जो 1729 से ठीक है मार्क आ, से रूल कर रहे थे पूरी की पूरी त्रावन कौर को उनकी फैमिली से आते थे राजा रवि वर्मा एंड दैट्स वाई वॉज कॉल्ड राजा रवि वर्मा ठीक है मॉडर्न टाइम से ही ही इज टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ंग ऑयल पेंट्स प्रॉपरली ठीक है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट इनको माना जाता है और इन्होंने भी बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं उन पे पेंटिंग्स बनाई ठीक है जैसे ये वो फेमस पेंटिंग है जिसमें आप देख रहे हैं कि सीता को रावण जो है वो किडनेप कर रहे हैं ठीक है आ, और साथ में वो जटायु से लड़ रहे हैं ठीक है सो वो पूरे का पूरा सीन यहाँ पे उन्होंने पिक्चराइज किया अपनी पेंटिंग में ठीक है ऐसा कहा जाता है कि ऑल्सो बॉट अ सेंस ऑफ साउथ इंडियन इन द पेंटिंग्स इन द स्टोरी टेलिंग ओके दैट व्हाइट कलर कलर साड़ी वेयरिंग सरस्वती इज ऑल्सो मेड बाई राजा रवि वर्मा ओनली जिसको हम अभी यूज करते हैं हर जगह ठीक है हिज वर्क इंक्लूड लेडीज इन मून लाइट शकुंतला दमयंती स्वान ये सारी चीजें इन्होंने बनाई कई सारी पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा की ऐसी थी जिसके कारण राजा रवि वर्मा पर केस भी हो गए ब्रिटिश टाइम्स में ठीक है क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए तो उनको जेल नहीं जाना पड़ा बट अदरवाइज ही वुड हैव अरेस्टेड तो ये मैं आपको पहले बता दू चलिए कंपनी पेंटिंग की बात कर लेते हैं दूसरी तरफ अब ब्रिटिशर्स आए हैं तो ब्रिटिशर्स ने भी तो कुछ तो करना है तो अब ब्रिटिशर्स के पसंद की पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो भाई जब मुगलों का दौर, दौर खत्म हो गया ब्रिटिशर्स वर फार बोर केपेबल तो उन्होंने कलकत्ता में ठीक है कई जो पेंटर्स थे उनको हायर किया और पेंटिंग्स बनवानी शुरू की न वो आ रहे थे ब्रिटिश बैकग्राउंड से तो उनको एक्सटेंसिव कलर का यूज़ पसंद नहीं था तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि कंपनी पेंटिंग जब बनाई गई ठीक है जिसको कंपनी कलाम भी कहते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ हुआ है ठीक है और इस फंक्शन की पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड देखें आपको सब कुछ व्हाइट कलर का दिखेगा एंड दैट आल्सो समथिंग जो कि ब्रिटिश टेंडेंसीज को सर्व uh, करने के लिए बनाया गया है कि उनको फील हो घर घर जैसा ठीक है इंडिया में एक्सटेंसिव कलर का यूज़ किया जाता इसी तरीके से एक पेंटिंग बनाई गई बाजार पेंटिंग ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती थी लंदन में क्योंकि लंदन में रह रहे लोगों को ये बहुत ही ज़रूरी था कि उनको ये पता करना था कि इंडिया में दिखती कैसे हैं चीज़ें क्योंकि हमेशा लंदन में यही खबर जाती थी कि जी इंडिया में बड़ी पॉपुलेशन है बड़ी पॉपुलेशन है बड़ी पॉपुलेशन है वो देखना चाहते थे अब वो चीज़ें पेंटिंग में कैसे दिखाई जाती थी तो इस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई लेकिन होता क्या था द ओरिएंटल सेंसिबिलिटीज़ ऐसी थी कि उसको सपोर्ट करने के लिए कई बार वो दिखाते तो थे बिहार और बंगाल के बाजार लेकिन उसका बैकग्राउंड बना देते थे ऑटोमन किंगडम वाला जैसा कि आपको इस बाजार पेंटिंग में नीचे दिख रहा है कि अगर आप इंडिया में जाके देखेंगे तो इस तरह के हाई एंगल वाले मार्केट प्लेस आपको कहीं नहीं दिखेंगे दिस इज़ समथिंग विच इज़ पैक्यूलियर ऑफ स्तानबुल का जो मार्केट है स्तानबुल में जो मेन मार्केट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है लेकिन यहां पर बना दिया गया और कह दिया गया कि ये बंगाल और बिहार में ऐसी ऐसे ही मार्केट प्लेसेस होते हैं, ठीक है? तो ये क्यों हुआ? सिंगल अबाउट होल ऑफ द ईस्ट स्तानबुल से लेकर इंडिया तक सब कुछ ऐसे ही है ठीक है ये दिखाते हुए तो इसमें कई सारी गलतियां भी हैं लेकिन यही परसेप्शन था तो ये आपको पता होना चाहिए ओके चलिए यहां से समझ में आ गई बात एवरी वन ओके चलिए अब बंगाल स्टाइल पे आ जाइए बंगाल स्टाइल ऑफ आर्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ यहां पर बंगाल स्टाइल में ही एक और चीज है एंड दैट इज द फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता ओके okay? एक सेफ्रॉन क्लाइडन ओके okay? फीमेल जिनके पीछे आपको एक ब्लू कलर का हेलो दिखेगा उनके चार हाथ हैं ठीक है ये पेंटिंग किसने बनाई ये पेंटिंग बनाई अभेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल उसी टैगोर फैमिली से ठीक है इट इज़ फेमस अभेंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाई ठीक है अभेंद्रनाथ टैगोर इस पूरे के पूरे स्कूल में और भी फेमस थे उन्होंने और भी पेंटिंग बनाई जैसे कि अरेबियन नाइट सीरीज़ की पेंटिंग उन्होंने बनाई रविंद्रनाथ टैगोर भी उनसे इन्फ्लुएंस थे लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी डिटेल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया स्कूल के जो और पेंटर्स हैं उसमें नंदलाल बोस का नाम आता है हु इज़ नोन फॉर हिज वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच ठीक है गांधी स्केच अलग से बहुत फेमस हुआ दिस ठीक है और रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ फॉर अ पेंटर ऑफ बंगाल स्कूल ठीक है बट अभी आपको जो जानना है वो नंदलाल बोस की पेंटिंग के बारे में जानना है वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच जिसमें गांधी जी को डांडी मार्च में पोर्ट्रे किया गया ये वही पेंटिंग है गांधी जी की जो यूजुअली पूरे इंडिया में यूज की जाती है जब भी कहीं गांधी जी का स्टैचू बनाना होता है अगर अभी आज की डेट में भी आपको गांधी जी का स्टैचू बनाने के लिए कोई बोल दे तो आप कौन सी पेंटिंग यूज करेंगे आप यही पेंटिंग यूज करेंगे फाइन इसी को यूज करके आप स्कल्पचर बनवाएंगे पूरे का पूरा गांधी जी का स्टैचू के लिए ठीक है सो दैट इज अगेन समथिंग जो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरे का अगर आप रोड पे कहीं गांधी जी का स्टैचू देखते हैं बड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस शेप एंड फॉर्म में वॉकिंग गांधी जी जो बनाए जाते हैं वो किसने डिजाइन किए थे सो दैट वॉज डन बाई नंदलाल बोस ठीक है तो ये आपको अलग से पता होना चाहिए दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग सो so, इसके बाद हमें फोक पेंटिंग शुरू करनी है बट वी विल स्टॉप द क्लास हेयर एंड आई विल मेक अ सिंगल लॉन्ग सेशन ऑफ फोक पेंटिंग्स और बाकी सारी टॉपिक्स पे एंड विल अपलोड इट सो यू कैन वॉच इट इन अ सिंगल गो ठीक है एंड सो विल स्टॉप हेयर मेक श्योर मेक श्योर अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि इफ यू आर गोइंग टू टेक सब्सक्रिप्शन मेक श्योर टू टेक इट ऑन टूडेज डेट बिकॉज कल से प्राइसेस फिर से इंक्रीज हो जाएंगे सो मेक श्योर यू डू इट ऑन टुडेज डेट Okay, that will be all for now. Thanks a lot. Have a nice day, and uh, yeah, thank you.